ये लो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 67 आपकी बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 67 करते हैं। मजाक मत करना, सीरियस है क्वेश्चन, सीरियस क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से पढ़ो। देखो क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, द शेयर्स वर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹7 पर शेयर। यानी हम क्या लिखेंगे मालूम है, सबसे पहले ऊपर सिर्फ यहां कितना 4 लाख इंटू 10+7, 4 लाख शेयर इश्यू किए, 10 × 7 है, 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए प्रीमियम है, 17 का टोटल है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंट क्या है इस क्वेश्चन में। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देख रहे हैं आप क्वेश्चन में, यानी कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मंगवा ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहां लिख देते हैं दो लाइन छोड़ के, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या बोलता है, ₹9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 4, ये देखो इसका मतलब क्या हो गया, 5+4, ठीक है जी। लेकिन प्रीमियम टोटल कितना है, टोटल प्रीमियम कितना है 7, तो प्रीमियम कितना बच गया 3 रुपए, और कौन सी कॉल है उसके बाद फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल कितने की होगी, 5+3। क्या बेटे गिवन है, नीचे बुक में देखो ना, वो बुक में गिवन है। क्या बोलता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ₹9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹4। ये देखो अगर 4 रुपए का प्रीमियम है, टोटल कॉल 9 रुपए की है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो भैया कॉल कितने की आई, 5 + 4 कितना हो गया 9, और टोटल प्रीमियम कितना है 7 रुपए, तो कितना बच गया 3 रुपए, और कॉल का कितना बच गया 5 रुपए। आगे बस समझ, 10+7 हो गया, यही उसने लिखा हुआ है, उसने लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल द बैलेंस अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। भाई अगर आप समझना चाहो तो उसने क्या लिखा है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, टोटल शेयर है कितने का 10+7 17, 17 में से 9 निकल गया कितना बचा 8, 8 में से प्रीमियम कितना है 3 और शेयर कितना है 5, ठीक है जी। कैसे पता लगा, माइनस किया सर, सिंपल सर, ठीक है जी, हो गया खत्म। लो ये तो बड़ी बात यहां खत्म हुई। फिर क्या हुआ, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 5,70,000 शेयर्स एंड द अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर, लो ठीक है जी। अब एप्लीकेशन जो है वो भी नॉर्मल नहीं आई, प्रोराटा 1-2 कॉलम छोड़ के यहां 5,70,000 और कितना अलाउट किया है 4 लाख, लाइन लगाओ, ठीक है जी। फिर क्या बोलता है, एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 5,70,000 शेयर एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर, टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 3,50,000 2,50,000 वॉज गिवन एज अ प्रोराटा। जिन्होंने 3.5 लाख के लिए अप्लाई किया था उन्हें कितने दिए गए, 2,50,000, ये होगी कैटेगरी 1, पहली कैटेगरी, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, फिर बोलता है टू एप्लीकेंट्स ऑफ 2 लाख शेयर्स वर गिवन 1,50,000, जिन्होंने 2 लाख के लिए अप्लाई किया था उनका 1.5 लाख एडजस्ट किया है एप्लीकेशन पे प्रोराटा के अंदर, ठीक है जी, चलो हो गया प्रोराटा में। और एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 नील, बोलो ना कितना बन गया, लाइन लगा के इधर कितना हुआ, और यहां 7:5 और 4:3, लो इसकी रेशियो क्या है 7:5 और इसकी 4:3, चलो इसने निकाल भी दी, वेरी गुड, रेशियो भी निकाल दी, ठीक है जी। दो कैटेगरी है, दो अलग अलग रेशियो। फिर क्या हुआ, एक्सेस मनी और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कुड बी यूटिलाइज फॉर कॉल्स, करनी पड़ेगी भैया, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो है वो तो एक साथ इकट्ठा आ रहा है, तो जो पैसा बचेगा वो कॉल में लेके जाना पड़ेगा। उसने कहा एक्सेस जो है, एक्सेस इसको कॉल में ले जाओ, एक्सेस को कॉल में एडजस्ट कर सकते हो, एक ही कॉल है, ठीक है। चलो आगे क्या बोलता है, अब आई बात कान की, ए हु बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी, ये रहा मिस्टर ए बिलोंग टू फर्स्ट कैटेगरी, वो बिलोंग टू फर्स्ट कैटेगरी वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, अलॉटेड ए वो बिलोंग टू फर्स्ट कैटेगरी वाज अलॉटेड 500, हमें मालूम नहीं प्लेट कितना है, वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, ये तो दे दिया ये नहीं दिया, ठीक है, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। बी वो बिलोंग टू सेकेंड कैटेगरी,
बी वो बिलोंग टू सेकेंड कैटेगरी वॉज अलॉटेड 300 शेयर्स अलॉटेड फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी ये भी पे नहीं कर पाया फर्स्ट कॉल मनी इसने भी फर्स्ट कॉल के मतलब फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए दीज शेयर्स वर फोरफिटेड दोनों के शेयर फोरफिट कर दिए गए इसके भी और इसके भी फोरफिट कर दिए गए दीज शेयर्स वर फोरफिटेड फिर क्या हुआ उसके बाद फिर बोलता है इसके बाद दीज देयर शेयर्स वर फोरफिटेड एंड वर रीइश्यूड एज ₹15 पर शेयर फुली पेड अप यानी जितने फोरफिट किए गए उतने ही रीइश्यू कर दिए तो फोरफिट कितने किए 800 800 को क्या किया गया रीइश्यू कैसे एज रुपीज एट ₹15 फुली पेड अप मतलब ₹15 का शेयर फुली पेड के हिसाब से 10 का शेयर 15 में बेचा गया ₹5 प्रीमियम पे बेच दिया ठीक है जी यही उसने लिखा था लो हो गया था क्वेश्चन ओवर अब इसका आंसर निकालना है हमारे को आज बताता हूँ ना पहली एंट्री सुनो समझाने लगा पहली एंट्री नई चीज आई ना ठीक है तो सबसे पहली बात तो नई ये सीखी आपने कि यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मांग लिया कंपनी मांग सकती है क्या बिल्कुल मांग सकती है उसका हक है वो पैसे 10 के 10 भी मांग सकती है मर्जी उसकी है ठीक है यहाँ उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मांगा तो पहली एंट्री क्या पास करेंगे आ जाओ फटाफट जल्दी से हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट वही सेम एंट्री रहेगी टू शेयर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट हाँ एक साथ बस यही फर्क आएगा आप ऑब्लिक भी लिख सकते हो और अगर किताब ही की नकल मांगनी है तो फिर एंड कर लो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ठीक है जी बस इतना ही फर्क है और बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है एक साथ पैसा मांगा तो बैंक में जो पैसा आया वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एक साथ आया तो हमने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना पैसा आया होगा बैंक के अंदर बताओ ये देखो 570,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 रुपए बोलो कितना आया 5,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 रुपीज जल्दी करो तो फटाफट 51,30,000 ये पैसा आया 51,30,000 इतना पैसा बैंक के अंदर आया इतना पैसा बैंक में आया जब लोगों ने पैसा शेयर के लिए अप्लाई किया हमने क्या किया इस पैसे का हमने लोगों को मालिक बनाया कैसे ये देखो फिर हमने लिखा शेयर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा सिर्फ एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट एक साथ लेके चलना है कौन सी बड़ी काम है यार है ना शेयर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ये दो चीजें तो साफ दिख रही हैं साफ नजर आ रही हैं तो यहां कितना आया हमारे पास 51,30,000 कितना आया 51,30,000 बोलो ना कैपिटल में मैक्सिमम कितना पैसा जा सकता है कितना 4,00,000 ना ना कैपिटल की बात और यहां कितना जाएगा इससे ज्यादा जा नहीं सकता तो 4,00,000 × 5 कितना आया 20,00,000 किधर अच्छा एक जीरो लगा ले यार 20,00,000 1, 2, 3, 4, 5 लो आ गया 20,00,000 और यहां कितना आएगा एसपीआर में 16,00,000 लो जी हो गई यहां तक की कहानी अब समस्या ये है कि कितना पैसा हमें एडजस्ट करना है कौन सी कॉल में सर वो अलॉटमेंट में तो यहाँ पे डिफॉल्ट ही नहीं है अरे भाई यहाँ एक ही कॉल है समझो बात को ना है ना यहाँ तो हमें चेक करना ही पड़ेगा इसी को हम अलॉटमेंट मान के चल रहे हैं ना फिर जब कॉल ही एक है तो क्या करोगे जो भी एडवांस सारे के सारे काम करने पड़ेंगे सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि यहाँ अच्छा बैंक में कितना पैसा वो भी डाल लो कितना है टू बैंक अकाउंट 20,000 × 9 अच्छा यहां लिखना यहां क्या मालूम कुछ और भी चला जाए वापस है ना इसलिए यहां लिखना पेंसिल से काटापिटी ना करनी पड़े 180 ठीक है जी अच्छा हमारे पास है कितना पहले हम देखते हैं ठीक है कितना हम एडजस्ट कर सकते हैं तो कितनी कैटेगरी है या कितनी कैटेगरी दो तीन नहीं दो एक तो रिफंड हो गया ना खत्म दो कैटेगरी है ना तो क्या बनाना पड़ेगा कैटेगरी का अकाउंट आ जाओ तो फटाफट जल्दी से करें
टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले लिखेंगे हम कैटेगरी वन। बोलो ना क्या किया कैटेगरी वन वालों ने, 3.5 लाख के हिसाब से कितने पैसे भेजे, 9 रुपए। कितने हुए जल्दी करो, 3,50,000 × 9 फटाफट जल्दी से, 31,50,000। और हमने क्या किया, हमने 2,50,000 × 9 के हिसाब से इनको मालिक बनाया, 2,50,000 × 9 22,50,000। सर एक मिनट, अरे कुछ नहीं बेटे, 3.5 लाख के 9 रुपए आए और हमने 2.5 लाख के 9 रुपए के हिसाब से मालिक बनाया, कितना पैसा एक्सेस आया जाए बताओगे, 31 कितना, हेलो तो लिखो एक्सेस। अरे बेटे एप्लीकेशन रोडमैप सब इकट्ठा है, एक ही तो चीज है, हाँ पूरा से करते 5 + 4 = 9 एक ही चीज है, इससे कंफ्यूज मत हो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये एक ही चीज है, इसे आप एप्लीकेशन दिमाग में लेके चलो बस, ठीक है जी, कंफ्यूज मत करो। एप्लीकेशन एक्सेस ऑफ कैटेगरी वन कितना रखा है बोल रहे हो, 9 लाख। ओके क्या 9 लाख एडजस्ट कर सकते हैं, क्या हम 9 लाख रूपये एडजस्ट कर सकते हैं, आर वी एबल टू एडजस्ट 9 लाख विच एज कम एज एक्सेस, क्या हम 9 लाख रूपये को इस कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं, 9 लाख को, ये देखो कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे हम, चेक करेंगे, हम चेक करेंगे 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय, बोलो कितना हुआ, 17 लाख के आसपास हो, 17 लाख हो गया ना, तो हमारे पास तो कितना एक्सेस है, पूरा 9 एडजस्ट हो सकता है, कोई चिंता नहीं, ठीक है, बस ये करने की जरूरत नहीं, लिख दो टिक मारो, वी कैन एडजस्ट द फुल अमाउंट, ठीक है, पूरा एडजस्ट हो सकता है, हमारी औकात है हम पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। अब कैटेगरी बी को चेक करें, क्या, अरे यार सुनो घर जाके क्वेश्चन किया था दोबारा से ईमानदारी, तभी तो समझ लिया, नहीं किया ना, मैंने आपको कितनी बार कहा कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं वहां सर की बात माननी पड़ती है, उसमें आपकी चलती है, इधर देखो इधर आ जाओ मेरी बात सुनो, इधर इधर दोबारा से बस, शांति शांति, थामा थामा थामा, एक्सेस का पता लगा कितना है, ये पता लग गया कैसे आया, अरे एक्सेस कितना है हमारे पास, 9 लाख, लेकिन हमारी लिमिट्स क्या है, हमारी कितनी लिमिट है, हम कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम कैसे चेक करते थे, मैंने आपको समझाया ना, ये देखो जितना पैसा यहाँ पे है कितना प्रोरेटा में, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय, सर अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करते थे, इस बार अलॉटमेंट नहीं है, इस बार अलॉटमेंट ऊपर ही है, इससे तो चेक करोगे ना फिर, तो कितना है 5×8 + 3 = 8, यानी हम हमारी लिमिट जो है ना वो 17 लाख की है, 20 लाख कितना आ रहा है, 20 लाख हम 20 लाख तक एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक्सेस है कितना, तो 9 का 9 एडजस्ट हो सकता है, अगर यहाँ जगह बची तो पूरा 9 एडजस्ट हो जाएगा, वही पहले वाली कैटेगरी के लोगों ने 9 लाख रुपया एक्सेस भेजा है, हम इस 9 लाख को आगे फाइनल कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं, ये हमारी लिमिट है, इतनी हमने चेक कर ली, हम पर 20 लाख तक की लिमिट है, हम 20 लाख तक एडजस्ट कर सकते हैं। आओ कैटेगरी बी चेक करते हैं, कैटेगरी बी की बात करें तो ये लोग कैटेगरी बी के अंदर क्या हुआ, मतलब सेकंड कैटेगरी में क्या हुआ, इन लोगों ने पैसे भेजे इस तरीके से 18 लाख, ये देख रहे हो 2,00,000 × 9 पूरी कैटेगरी बी सेकंड कैटेगरी देख रहे हो, हमने क्या किया 1,50,000 कितना हो गया जरा बताना, 13 लाख कितना बचा, 450 बस इतना एक्सेस है, एक्सेस ऑफ कैटेगरी टू, लेकिन औकात कितनी है हमारी एडजस्ट करने की, तो कैसे चेक करेंगे, 1,50,000 × 8 कितना हो गया बताओ, 1,50,000 12 लाख तक हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसकी भी कोई समस्या नहीं, ये भी पूरा एडजस्ट हो जाएगा, बैंक में पैसा वापस नहीं भेजना पड़ेगा किसी को भी, अगर हमारे पास यहाँ पे जगह हुई तो ये सारा पैसा एडजस्ट हो जाएगा, कितना 9 लाख पहले वाले का, 4.5 लाख दूसरी कैटेगरी का, 13.5 लाख तक हम एडजस्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट हम लोग 20 + 12 अगर 32 लाख भी एक्स्ट्रा होता ना तो एडजस्ट कर जाते, ये हमारी औकात है, 20 लाख एंड 12 लाख, आई बात समझ में,
20 लाख और 12 लाख हमने चेक किया हाउ मच वी कैन एडजस्ट, बट एक्सेस है कितना 9 लाख और 4.5। आओ देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है, इधर देखते हैं। आओ देखिए इधर, अब सुनो बैंक में तो कुछ जाने की उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी आप करके देखो 51,30,000 करके देखो, 51,30,000 माइनस 36 लाख माइनस 1,80,000 कितना बचा 13,50,000 कितना बचा, और यही हमारे पास है एक्सेस, वो देख रहे हो उधर, उतना ही पैसा हमारे पास एक्सेस है 13,50,000। पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट हो गया, इसको लिख दो 1,80,000 13,50,000। और क्या लिखोगे यहां टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, आई बात समझ, ये है इसको चेकिंग करने का मेथड जब कैटेगरी के क्वेश्चन आ जाए। कल भी करवाया था एक क्वेश्चन और मैंने कहा था घर जाके 5 वर्क कर लेते, मैंने कहा था घर जाके 5 वर्क कर लेना, जिसमें दुर्गा वाला अच्छा क्वेश्चन था 71। मैंने आपसे कहा था जब कभी मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूं प्लीज मेरी बात माना करो चैप्टर वाइज, उससे क्या रहेगा आप पढ़ो जो पढ़ रहे हो, जो भी किताब आप पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो पढ़ो, पिछला चैप्टर पढ़ रहे हो, पिछला एडवाइस कर रहे हो, कोई डिसोल्यूशन कर रहा है, कोई कैश बुक, सब करो, मना नहीं करता, लेकिन 1 घंटा करंट टॉपिक को पक्का दिया करो, उसमें वो जरूर किया करो जो मैंने करवाया, खासकर जो मैंने यहां करवाया उसको रिवाइज पक्का करो, उसके बाद आगे के पीछे के 4 क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है आ रहे नहीं आ रहे तो मैं सारे करवा ही रहा हूं भाई, उससे आपका जो है ना कॉन्फिडेंस गेन होता रहेगा। हाँ अगर आप 3-4 दिन के बाद पढ़ोगे तो आधी बातें भूल जाओ, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है जी। चलो हो गया खत्म, तो 13.5 लाख एडजस्ट हो गया और हमने क्रॉस चेक किया 9 लाख प्लस 4.5 कितना हुआ, और पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया, मिल गई एंट्री अपने आप, डेबिट क्रेडिट आपस में मिल गए, लो खत्म हुआ। इसके बाद क्या हुआ होगा, कंपनी ने कॉल मांगी होगी, कॉल की होगी ना कंपनी ने, तो लो कॉल कैसे की होगी कंपनी ने, क्या लिखा होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखा होगा टू, फिर क्या लिखा होगा लो। अच्छा इधर कितने से कॉल मांगी होगी, 4,08,000 32,00,000 रुपए। अच्छा कैपिटल का कितना है, 4,00,000 और ये 12,00,000, यही कहानी हुई है ना। लो अब कंपनी ने पैसा मांगा, फाइन कंपनी ने पैसा ड्यू किया, लोगों ने पैसा भेजे, सारा पैसा आ गया क्या, सारा पैसा आ गया नहीं, नहीं आया ना, दो लोगों का पैसा नहीं आया, देख रहे हैं आप, तो फिर एंट्री क्या पास होगी, इसको हटा दो, कॉल से एडवांस की फिगर याद रखना 13,50,000, ठीक है। लो आपने पैसा मांगा, लोगों ने पैसा भेजा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, कितना पैसा आना चाहिए था, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कितना पैसा आना चाहिए था, 32,50,000 कितना पैसा आना चाहिए था, 32,50,000 कितना आना चाहिए था, और अगर 32,00,000 लिखे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सर उसको डेबिट करना, क्या करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना पड़ेगा, तो फिर लिखो यहाँ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, यहां पूरा लिखा जाएगा 32,00,000 और यहां कितना आएगा 13,50,000, दैट इज 13,50,000। यहां तक तो समझ में आ गई बात, अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द कॉल सिनेरियोस निकालना है ना सर, लेकिन तो सीधा निकाल सकते हैं ना, 500×8 300×8 नहीं निकाल सकते आप, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां अलॉटमेंट एक ही जगह पे है, तो इसी को अलॉटमेंट की तरह डील करना पड़ेगा, बस इतना सा दिमाग में रखना है, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही जगह पे आ गया तो ये क्या बन गया, इट्स द सेम मेथड ऑफ अलॉटमेंट, क्या बनाना पड़ेगा छोटे छोटे दो अकाउंट, किसके अकाउंट, एक ए का और एक बी का अकाउंट, हमें बनाना पड़ेगा, आ जाओ फटाफट जल्दी से देखें, ये देखो आ जाओ,
सुनो, ए के साथ मालूम है क्या हुआ होगा, आ जाओ फटाफट करें जल्दी से। ए का अकाउंट बनाते हैं, एज अकाउंट। लो मैं ए का अकाउंट बना रहा हूँ, मालूम है ए कौन सी कैटेगरी का आदमी है, फर्स्ट कैटेगरी का। और फर्स्ट कैटेगरी रेशियो तुमने निकाली ना, तो इसकी रेशियो क्या है और ये क्या दिया हुआ है, तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा। लो कितने आगे, सात लिख दो, यहाँ कितने आ रहे, चलो वेरी गुड, ये भी खत्म हुई। अब देखो इधर ए के साथ क्या हुआ होगा, जब ए ने अप्लाई किया होगा तो क्या किया होगा, 700 इंटू हमने ए को मालिक बनाया कितने का, तो कितने पैसे ए के फालतू, जल्दी बताओ। ए का एक्सेस कितना है, 1800, एक्सेस ऑफ ए, दिस इज एक्सेस ऑफ ए। फिर क्या हुआ, हमने ए से पैसा मांगा होगा, क्या बोला होगा ए को, भैया फाइनल कॉल के 8 रुपए दे दे, कितने शेयर पे, तो टोटल कितना हुआ, ए ने क्या कहा होगा, नहीं है तो जो बचे वो तो एडजस्ट करते हैं, तो माइनस हमने कितने कर दिए, तो बोलो ना ए का कॉल से लीजिए कितना है, जल्दी बोलो, लिखो यार, ए का कितना है 22। अब किसकी बारी है, बी की बारी, बी के साथ क्या घटना घटी, बी ने पैसे भेजे होंगे, हमने मालिक बनाया बी को, बोलो कितना पैसा फालतू, 16 में से 7 गया 9, एक्सेस ऑफ बी। फिर क्या हुआ होगा, हमने बी से पैसे मांगे कितने शेयर के, 300, कितने रुपए, 300 इंटू 8, बी ने क्या कहा, तो जो एक्स्ट्रा है तो एडजस्ट कर दे, कितने आए, बोलो इसकी कॉस्टिंग एरिया कितनी है, तो टोटल कितना आ गया, अब निकालो कितना बैलेंस बच गया, 32 लाख में से माइनस करो 13,50,000, माइनस करो 3,700, 18,46,300 बैंक में आए। इसका मतलब बैंक में जो पैसा आया दैट इज 18,46,300, इतना पैसा बैंक के अंदर आया 18,46,300। ये सबसे बड़ी एंट्री थी, अगर ये फिगर ठीक तो सब कुछ ठीक, चलो बाद में चेक करते, कोई बात नहीं ठीक ही होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज अब क्या किया इसके बाद कंपनी ने, अब देखो सुनो मेरी बात, इधर देखो सुनो मेरी बात गौर से, मैं समझाता हूँ, दोनों के शेयर एक ही जगह पे फॉरफिट किए भाई, और पूरे के पूरे शेयर इशू कर दिए, ठीक है, इसलिए एक एंट्री भी कर सकते हो फॉरफिशन, लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करूं दो एंट्री करो, एक ए की एक बी, आप फॉरफिशन की दो एंट्री कर, एक कर सकते हैं आप, मैं भी करके दिखा सकता हूं, लेकिन दो है ना अलग अलग शेयर होल्डर, एक ए और एक बी, अलग अलग एंट्री पास करो, पहले ए के शेयर फॉरफिट करो फिर बी के फॉरफिट करो। आओ करते हैं फटाफट जल्दी से, ये लो इसको भी हटा देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं शेयर फॉरफिट करता हूं, मेरे से पहले आप एंट्री पास कर दो, बोलो क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटर अकाउंट। लो कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं आप, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो, 500, कितने पैसे मांग चुके हैं आप, तो टोटल कितना हो गया, एसपीआर का कितना पैसा नहीं आया, ये नहीं आया ना, एसपीआर का 300 वाला तो आ गया ना, सिर्फ 3 ही तो नहीं आए लास्ट वाले, 1500 नहीं आए एसपीआर। कॉस्ट इन एरियस कितनी है, एक ही, ये लिखा हुआ देखो कितनी है, तो 5000 प्लस एक 6500 और 6000 है 4300 हो गए एक शेयर फॉरफिट। सर इशू की एंट्री कर दे, ना ना वो तो इकट्ठे करेंगे ना सारे इशू किए, हो गए एक फॉरफिट, एक शेयर फॉरफिट हो गए, अब किसके फॉरफिट करेंगे, बी के, और बी के करें तो क्या एंट्री पास करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू कॉस इन एरियस टू शेयर फॉरफिटर अकाउंट। बी के कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं आप, कितने पैसे मांग लिए, कितना एसपीआर का नहीं आया, एसपीआर का कितना नहीं आया,
3 रुपए नहीं है, एसपीआर के 3 रुपए नहीं है, सॉरी 900 इसमें 1500 नॉन सेंस किसी ने नहीं। अच्छा इधर कौन सी नहीं, कौन एक मिनट कौन सी एरिया कितना है बी का जल्दी बताओ, बी का कौन सी एरिया कितना है, ये रहा ये रहा ये रहा ये, तो कितना हो गया 2400 लो हो गया एंट्री खत्म। बी के शेयर भी 4 फीट हो गए, बी के भी 4 फीट हो गए। आ जाओ इसके बाद क्या किया आपने, कंपनी ने इसके बाद क्या किया, कंपनी ने इश्यू कर दिए शेयर, इश्यू किए इसको, इश्यू किए नहीं मालूम किसी को भी बेच दिया, कितने में बेचा 15 रुपए में बेच दिया। तो जब शेयर 15 में बेचा तो क्या लिखा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर इंटू 15, 2 शेयर कैपिटल में कितना जा सकता है मैक्सिमम 800 × 10, यहां जाएगा 8000, तो फिर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा 800 × 5 कितना, तो यहां कितना आएगा बात मुझे बताओ, फोर फीचर के अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री में ये देखो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना पैसा जाएगा, कितना ये भी और ये भी सारा ही चला जाएगा, कितना 6700। अब आपको जो है ना आंसर चेक करना है, बस चेक करो क्या सही है ना, एक तो ये चेक करो कि हमारी फिगर मिल रही है, दूसरी हमारी ये फिगर चेक करो सर, यही आएगा गलत आने का सवाल ही पता नहीं होगा। बुक को नहीं देखना है, इश्यू शेयर करते हुए किताब को मत देखो, लेकिन सारे मार्केट में कोई भी आपको ऐसा बोलेगा नहीं कि मत देखना, वो बोलेंगे पागल भाई कौन सी कारण तुम्हें काम, किताब नहीं देखी, बिना किताब देखे भी आंसर निकलते हैं क्या, मैं सच बोलता हूँ बिना किताब देखे ही इसके आंसर निकलते हैं, इतना कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है कि भर जाते हो कॉन्फिडेंस से आप जब इसके आंसर निकलते हैं, क्योंकि आंसर सामने होता नहीं, किताब तो दूर रख दी है। अब रुको यहां बताता हूं, सुनो यहाँ पे क्या सीखा, इस क्वेश्चन में क्या सीखा, इधर देखो गौर से, इधर इस क्वेश्चन में क्या सीखा मालूम, इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ था, फाइन, तो जो भी काम हम अलॉटमेंट पे करते थे अब हमने कहा किए वो फाइनल कॉल पे, क्योंकि कॉल ही एक बची इसके पास, सर इसके आगे अगर ये कॉल कॉल होती तो इस कॉल पे करना ही पड़ता, यानी क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ इकट्ठा हुआ, सेकेंड कॉल होती तब भी करना पड़ता इस वाली कॉल पे, करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ आ गया, तो हमें सारे वो काम करने पड़े जो हम अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट पे करते थे, हमें अकाउंट बनाना पड़ा ए का, हमें अकाउंट बनाना पड़ा बी का, हमें कैटेगरी का अकाउंट बनाना पड़ा, सब काम करने पड़े, करने पड़ेंगे क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ था, ये एक नई चीज थी इस क्वेश्चन, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं था, बस लिखने में इतना था जब हमने पहली एंट्री पास की तो क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट, इतना तो लिखा ना, और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसका कोई डिफरेंस नहीं आया, एक चीज ये दिमाग में रखी। दूसरा, जब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ थी तो हमें वो सारे काम करने पड़े जो हम अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट पे करते थे, वो सारे काम हमें दोहराने पड़े, ये दिमाग में रखना। अच्छा तीसरा, यहां क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है प्रिपेयर कैश बुक या बैंक बुक जो भी है, बैंक अकाउंट है ना, जब कभी भी हमें बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है, अच्छा बैंक अकाउंट बनाने में क्या समस्या है, आपको लेजर पोस्टिंग तो आती है ना, अभी तो यहां तो मैंने एंट्री हटा दी, जो भी बैंक की एंट्रीज हैं, जहां भी बैंक में पैसा आया है, जहां भी कहीं बैंक में पैसा आया है तो आप उसका बैंक अकाउंट बना सकते हैं, है ना, जैसे पहली एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट थी ना पहली वाली एंट्री, अभी बैंक अकाउंट बना रहे हो, ये रहा आप क्या बना रहे हो, बैंक अकाउंट, कुछ सोच के देखो ना, बैंक अकाउंट बनाते हो तो बैंक अकाउंट का बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट, ये तो आप भी जानते हो अच्छे से, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना पिछले 1 साल से, तो बैंक अकाउंट है, एंट्री क्या थी, इधर देखो इधर इसी एंट्री को देखते हैं, इसी एंट्री को देखो, ये एंट्री आपके सामने है, ये बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, फाइन, अच्छा बैंक अकाउंट में बैंक का नाम तो कभी आएगा नहीं, ये बात तो सच है, यानी लेजर में जिसका नाम होता हो तो आता नहीं, तो इसके अपोजिट में क्या है, 2 शेयर कैपिटल 2 SPR, तो लो ना, और शेयर कैपिटल कहां पे है, क्रेडिट में, तो यहां क्या आएगा, कितना, फिर 2 SPR क्या है, मतलब बैंक अकाउंट बनाना क्यों सिखाऊंगा मैं,
ये बैंक अकाउंट की पोस्टिंग में क्यों सिखाओ, जब 11th क्लास में लेजर सीखा नहीं क्या आपने? तो वहां से दूसरा चला जाए। कौन सा रिफंड किया तुमने? आपने कहा रिफंड कहा रिफंड किया? तो बाईस एप्लीकेशन पैसा जाएगा तो यहाँ आएगा तो यहाँ, यही तो रूल है इसका। पहली एंट्री क्या थी बोलो, फर्स्ट एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑब्लिक अलॉटमेंट कितना? 31 लाख 51 लाख 30,000। यहाँ लिखो टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 51 लाख 30,000। यानी जब जब पैसा आया बैंक के अंदर, अरे जब जब पैसा आया बैंक में यहाँ डालो, जब जब पैसा गया यहाँ डालो, बैंक अकाउंट बना के इनको दे दो। और क्या मांग रहे हो? वो ऐसे यार 11th क्लास का कंसेप्ट चेक कर रहे हैं। अच्छा लेकिन पता क्या है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन से पेपर में आता नहीं कि बैंक अकाउंट बनाओ, वो देते नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ, पते की सुनना, जब कभी आपसे बैंक अकाउंट मांगा हो ना, वेन एवर दे आस्क यू, हेलो काम की बात सुन ले मूर्ख, जब कभी भी आपसे बैंक अकाउंट मांगा हो, बैंक अकाउंट, वेन एवर दे विल आस्क यू बैंक अकाउंट इन द क्वेश्चन, यू विल नॉट मेक द एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक। जो एंट्री बैंक से रिलेटेड है ना, बैंक से रिलेटेड जनरल एंट्रीज, उनको आप नहीं करके दिखाते हैं। जब कभी भी आपसे बैंक अकाउंट मांगते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, जो पहली एंट्री आपने पास की थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसे आप रफ में पास कर सकते हो वर्किंग नोट के अंदर, लेकिन मेन में पास नहीं करोगे। जहां जहां बैंक आ रहा है उस एंट्री को, जनरल एंट्री को पास नहीं करना, फाइनल फेयर के अंदर वहां कर सकते हो, साइड में वर्किंग नोट में कर सकते हो आप, लेकिन यहां नहीं करना, ऐसा बुक बोलती है। लेकिन कर भी दोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये मैं बोलता हूँ, आप कर भी दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन फिर वही बात है ना, स्कूल में शायद नंबर मैडम आपका एक कार्ड देगी कि आपने बैंक की एंट्री क्यों की जब आपसे बैंक अकाउंट मांगा था। लेकिन घबराना मत, सीबीएसई बोर्ड में आपका नंबर नहीं कटेगा भाई, बोर्ड आपके मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि जैसे आपने रेगुलर एंट्री की है ना, अगर वो करने के बाद आपने बैंक अकाउंट बना दिया नीचे, आपका नंबर नहीं कटा। हाँ उसने कहा प्रिपेयर बैंक अकाउंट, और आपने जबरदस्ती करके बैंक अकाउंट छोड़ दिया, फिर नंबर कटेंगे, फिर आपका शायद एक या डेढ़ नंबर काट देगा क्योंकि आपने बनाया ही नहीं। लेकिन लेकिन डीके गोयल के अंदर क्या बताया गया कि वेन एवर दे विल आस्क यू टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट, यू विल नॉट पास द जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक ओनली। जहां जहां बैंक की एंट्रीज है उनको नहीं करना, ये बोलता है कौन? ये कौन बोलता है? डीके गोयल। लेकिन अगर आप कर भी दोगे तो कोई समस्या नहीं है, क्यों? 11th क्लास में हमें बोला गया था पहले क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग, फिर क्या की जाती है, पोस्टिंग। इसलिए गलत नहीं है, कंसेप्ट वाइज गलत नहीं है। हाँ बैंक वाली एंट्री देख रहे हो, जहां जहां बैंक आया, जहां बैंक आना था वो छोड़ देना, बाकी सब एंट्री पास कर। जहां बैंक का रिफंड था ना उसे छोड़ देना, हाँ तो ऊपर उतना कम हो जाएगा ना 180 से, उतना ऊपर ही कम चला जाएगा 180, है ना? कितनी कंफ्यूजन होगी देख रहे हो आप, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और इसलिए पेपर में नहीं आता है। लेकिन फिर भी आपकी मैडम है ना स्कूल की, वो इस चीज को देती है जानबूझ के। लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम, क्या दो नंबर अगर स्कूल में कट गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? वो ना इसको फिर अपना देवता मान लेती है, तू ही मेरा देवता है, वो नहीं कहना कौन सा बुरा है भला है, तू ही मेरा देवता है, वो वाला काम हो जाता है। तो फिर ऐसा काम जब हो जाता है तो डीके गोयल देवता बन जाते हैं। डीके गोयल की बात करो, आ जाओ कोई बस अभी बात नहीं, बस बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाओ। हो गया 67, 66 करवाता हूँ, 65 करवाता हूँ। लो आप पूरी एंट्री करना पास, बेचिंत होकर नंबर नहीं कटेंगे, गारंटी देता हूँ, करना नहीं है। लो 66 करवाता हूँ, 66 आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 66। सुनो सुनो, हेलो दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है ये, सारी नसें खुल जाएंगी आपकी दिमाग की, इधर देखो सारी नसें खुलेंगी। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड, हटाओ मत यार, पढ़ाने तो ना यार, आ जाओ इधर। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 1500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ओरिजिनली इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, विच वॉज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी, ऑन विच अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट कॉल ₹2 वर नॉट रिसीव्ड and the final call ₹3 not yet called. Okay, these shares were originally allotted on pro rata basis. It's a dangerous question. These shares were subsequently reissued
अच्छा सुनो, पता क्या है, इधर मेरी बात सुनो, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना पेपर के अंदर, ऐसा वाला क्वेश्चन पेपर में आए, आप प्रॉपर अकाउंट बनाओ, हर चीज का सोल्यूशन उस अकाउंट के अंदर है। मैं पता क्या करता हूँ, इधर देखो सुनो, हम क्या करते हैं, लेट अस राइट एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। जब कुछ समझ में ना आए ना तो ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, डिटेल में करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, वो बोलता है द शेयर्स वर ऑफ 10 रुपीज विद अ प्रीमियम प्लस 3। तो जो 1500 शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं ना वो 10+3 है। जो 1500 शेयर कंपनी फोरफिट कर रही है वो कंपनी ने इश्यू किया था 10+3। या बिल्कुल सही, 10+3 में इश्यू किया था कंपनी ने। और पता क्या बोलता है, ऑन विच अलॉटमेंट मनी ₹3, इनपे अलॉटमेंट का कितना पैसा है, 3 रुपए। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है, 2। फाइनल कॉल का कितना पैसा है, 3। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, प्रीमियम कौन से कॉल पे है, लिख दो यहाँ +3। तो 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 2 10, ये वाली कहानी है। ये है वो जो मैंने शुरू से कहानी आपको स्टार्ट की थी, इसको बनाने का ही फायदा है। ये पकड़ा गया ना, उसने पता क्या किया आपके साथ, क्या खेला उसने, एप्लीकेशन का पैसा नहीं बताया, उसने कहा 10 रुपए के शेयर को हमने 3 रुपए में इशू किया था और 1500 शेयर फोरफिट किए। सच है, कोई बात नहीं, फोरफिट कितने किए, 1500, ठीक है जी। लेकिन ये नहीं बताया उस आदमी ने बुक के अंदर कि सुनो वो शेयर के अंदर एप्लीकेशन का कितना पैसा था। ये पक्का कह दिया द प्रीमियम मनी वाज अलोंग विद द एप्लीकेशन, पर ये नहीं बता रहा है कि एप्लीकेशन का खुद का कितना पैसा है। लेकिन ये बताता है अलॉटमेंट 3 रुपए की है, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, फाइनल कॉल 3 रुपए की है। तो बचा हुआ क्या होगा, 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो ये कितना बचा, 10+3 हो गए। इसको बनाने का ये फायदा। और सुनो सुनो इधर, उसने कहा द फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड, लिखा ना उसमें, तो यहाँ पे मारो, इधर इधर फोरफिट किए, यहाँ फोरफिट किए, फाइनल कॉल अभी तक मांगी नहीं, फाइनल कॉल कंपनी ने अभी तक मांगी नहीं। तो सुनो मेरी बात, ऐसी है कहानी, थोड़ा सा दूर ले जाते हैं ये कहानी। जिस आदमी के 1500 शेयर फोरफिट किए होंगे उसको ए मान लो, ए, ठीक है, 1500 शेयर हमने फोरफिट किए हैं। हम शेयर कौन से फोरफिट करते हैं, जो हमने अलॉट किए होते हैं वही फोरफिट करते हैं ना। तो इसका मतलब हमने इसको 1500 शेयर अलॉट किए थे और ये शेयर फोरफिट कर दिए। इसने क्या किया, ये पैसा दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, यही बोल रहा हूं, बन गया पूरा क्वेश्चन अपने आप से। और फिर उसके बाद क्या बोलता है, सुनो उसके बाद क्या बोलता है, ये जो शेयर हमने इसको अलॉट किए ना, उस वक्त पे प्रोराटा लगा हुआ था, और प्रोराटा क्या लगा था, यानी अप्लाइड इनटू अलॉटेड। तो मुझे बताओ इसने अप्लाइड कितने के लिए किया होगा, कितने के लिए, 2000 निकाल दिया तुमने, 22000 सही आ रही है ना फिगर, कितनी आ रही है, 22000 लो, बन गया पूरा क्वेश्चन, बन गया पूरा क्वेश्चन। अरे सुनो इधर, प्रोराटा लगा हुआ है, डिफॉल्ट का है, क्या बनाना पड़ेगा, बनाओ बनाओ वर्किंग नोट, इसका वर्किंग नोट बना लो। और इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, इस आदमी का कौन है ये, ए, ए ने जब अप्लाई किया तो 2250 के लिए अप्लाई किया और कितने पैसे भेजे, 5 रुपए। ए ने 2250 इंटू 5 भेजे, 11250। और हमने ए को मालिक कितने के लिए बनाया, कितना होता है ये, 7500 नहीं आया ना अलॉटमेंट, लिखा हुआ है साफ 11250 है, साफ लिखा तो नहीं आया। अरे सुनो इधर, इधर देखो साफ लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, मुझे भी कंफ्यूज करो, क्या लिखा है इसने, एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 1500 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ओरिजिनली इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज पर शेयर, विच वॉज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी, ये रहा, ऑन विच अलॉटमेंट मनी ₹3 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2 वर नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब सिर्फ यही रिसीव किया, ये 2 रिसीव नहीं किए, पहली बात। और क्या बोलता है, द फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹3 इज नॉट येट कॉल्ड, मैंने लाइन लगा दी यही पे, फोरफिट कर दिए, फाइनल कॉल तो मांगी नहीं। तो जब एंट्री पास करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, कितने से करोगे, शेयर कैपिटल कितने डेबिट करोगे, 7 रुपए से, क्योंकि 3 तो अभी तक मांगे ही नहीं, ठीक है। फिर क्या बोलता है, दीज शेयर्स वर ओरिजिनली अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस इन द रेशियो 3:2। मतलब क्यों दिया उसने ये, क्योंकि अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है और उसने बोला निकाल लो, क्या अप्लाइड, निकाल लिया हमने भी। आगे उसके बाद क्या बोलता है,
दीज शेयर्स वर री इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज वन शेयर क्रेडिटेड टू रुपीज सेवन पेड अप, यानी सात रुपए का शेयर कितने में बेचा, छह रुपए में, फुली पेड अप नहीं है, कितना पेड अप है, सेवन पेड अप, यानी जो शेयर फोरफिट किए उन्हें बेचा जरूर लेकिन कितने में बेचा, छह रुपए में, फुली पेड अप नहीं, सेवन पेड अप, यानी सिक्स रुपीज में सोल्ड किया, ऐसे लिखोगे रीइश्यूड एट रुपीज सिक्स इन रुपीज सेवन पेड अप, फुली पेड अप नहीं, ये लाइन है और ये लाइन मैंने करवाई थी, अभी इसका आंसर पता लगेगा आपको, चलो आ जाओ। तो पहले इसका अकाउंट बनाए, कितना एक्सेस है हमारे पास, कितना एक्सेस है ना, अच्छा उसके बाद हमने क्या किया होगा, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, हमने क्या बोला 4500 दे दो, इसने क्या कहा 3750 तुम्हारे पास पड़ा है उसे काट लो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो 4500 कितना है इसका, कौन सी रेडियस, साढ़े सात, आई बात समझ में आया, इधर देखो सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी कहानी थी और ये सच्ची में छोटे नंबरों में तो नहीं आने वाला, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसने बोला सुनो इधर गौर से, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने किसी शेयर होल्डर के 1500 शेयर फोरफिट किए, पहला दिमाग में बात आनी चाहिए, हम फोरफिट किन शेयर को करते हैं जो हमने अलॉट किए होते हैं, मैंने लिख दिया अलॉट की जगह, ठीक है, फिर कहता है जो शेयर अलॉट किए थे उन्हें फोरफिट किए और वो शेयर ओरिजिनली 3 रुपए प्रीमियम पे इशू किए गए थे, यानी शेयर था कितने का, 10+3 13 रुपए का, और जो प्रीमियम था वो एप्लीकेशन पे पेबल था, लिख दिया ना, और अलॉटमेंट के 3 रुपए थे, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए थे जो कि अभी तक हमने रिसीव नहीं किए, लिख दिया काटा मार दिया उसके आगे, और फाइनल कॉल के 3 रुपए थे जो कंपनी ने मांगे नहीं, अच्छा फाइनल कॉल के 3, फर्स्ट कॉल के 2, अलॉटमेंट के 3, तो एप्लीकेशन के सामने कितने आ जाएंगे, ये निकालना आ गया, अच्छा फिर क्या कहा, एक लाइन और एड कर दी, दीज शेयर वर इशूड ऑन अ प्रोराटा बेसिस ऑफ द रेशियो 3:2, ये भी एड कर दिया, यानी इस आदमी को जिसको हमने 1500 शेयर दिए थे जो कि अब हम फोरफिट कर रहे हैं, उसने 1500 के लिए अप्लाई नहीं किया था, उसने अप्लाई किया था 2250 के लिए, प्रोराटा भी लग गया, फोरफीचर भी है, अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट भी है, तो क्या बनाना पड़ेगा उसका अकाउंट, तो उसका अकाउंट बनाया, ये ए का अकाउंट, ए ने जब अप्लाई किया होगा तो 2250 इंटू 5 रुपए के हिसाब से 11250 रुपए का चेक भेजा होगा, हमने मालिक बनाया 1500 इंटू 5 7500, ठीक है, तो कितना पैसा ए का पड़ा है, हमारे पास ए का कितना पैसा है 3750, ठीक है, तो हमने पैसा मांगा अलॉटमेंट का ए से 1500 इंटू 3 4500, ए ने कहा पैसा नहीं है, हमने एडजस्ट कर दिया जो एक्सेस में आया, तो कौन सी एरिया कितना हो गया, बस इतना ही निकालना था, अब एंट्री पास करते हैं, आ जाओ अब हम फोरफिट की एंट्री, और कोई एंट्री नहीं मांग रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, अच्छा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फोरफिट की एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियस टू शेयर फोरफिटर अकाउंट, ठीक है जी, लो कितने शेयर फोरफिट कर रहे हो सर, 1500, मांगा कितना, 7 रुपए, कितना आया, कॉस्ट इन एरियस कितना है, 3750, कॉस्ट इन एरियस सिर्फ 750, अच्छा वो भी है 750, एक मिनट यहां लिखता हूं, 750 प्लस 1500 इंटू 2, यहां सही है 3750, तो कितना आ गया फिर, 6000, एक बार चेक कर लो, 6750, लो हो गया, ये पैसा आ गया फोरफिट, इसके बाद क्या किया, इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, कैसे, 1 रुपए डिस्काउंट पे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर इश्यू किए हमने, 1500, 1 रुपए डिस्काउंट पे, और फुली पेडअप नहीं है, 1500 इंटू 7 रुपए पेडअप है, तो देखो 1500 इंटू 7 क्या होता, जल्दी बताओ, 10500, बैंक में कितना आया, 9000, तो कितना नहीं आया, अब जो बचा हुआ पैसा वो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर, तो कितना जाएगा,
6,750 में से इसको माइनस करो, लिखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना, बोलो जल्दी। सही है। अब आंसर देखो, देखो यही आएगा, गलत आएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन खतरनाक था भाई, मार्क करो इसको, मार्किंग लगाओ, ये सीरियस क्वेश्चन, ये सीरियस है, इसको मार्क करो। है तो सुना था ना यार कानपुर। अच्छा लड़के मुझे नहीं बताता, वाह वाह डिस्क्रिमिनेशन करा लड़की लड़की पे तू। है तो मेरी बात सुन, लड़के भी मुझसे बताता, तुम्हें नहीं बताया तक दीक्षा, कभी मना किया है? हम बता तू यहाँ भी कुछ कर। अभी तूने क्या कहा, लड़के पूछी बता देते हो, अभी दीक्षांत पूछा बताता नहीं, लपरी तुझे पूछा बताया नहीं आज तक मैंने। सवाल कर रहे पांडे जी, इधर आओ, ये देखो ये तो आपने बहुत बड़ा काम खराब कर दिया है, ऐसे ऐसा कमेंट आपने दे दिया, कमाल कर रहे हैं आप पांडे जी, ये कैसे हो सकता है कि दीक्षांत मतलब जो आप क्या कहेगा ना, कहना क्या चाहते हो? इधर आओ दोबारा करवाता हूँ, गौर करना आप इस बार शांति से, गौर करोगे ना समझ में आएगा। इधर हेलो, मैं दोबारा करवाता हूँ, फिर से करवाता हूँ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोबारा करवाता हूँ, पकड़ो बुक, बुक उठाओ, 65 भी करवाना चाहता था, हो जाएगा 65 भी हो जाएगा। इधर देखो सुनो मेरी बात, क्या लिखा है बुक को पकड़ो, इधर एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, पीछे मत देखो, एक्स लिमिटेड फोरफिटेड, फोरफिट दिए हैं, इश्यू नहीं दिए हैं, एक्स लिमिटेड ने फोरफिट किए कितने शेयर, 1500 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। मालूम है फोरफिट कौन से शेयर करते हैं, जो हमने इश्यू किए होते हैं, जो अलॉट किए होते हैं, जो हमने अलॉट किए होते हैं, 1500 शेयर फोरफिट किए और एक कितने का था, 10 रुपए का, ऑरिजिनली इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 3 पर शेयर, यानी 10 रुपए के शेयर को हमने 13 में बेचा था, जिसको भी बेचा था, कोई भी है वो, चाहे वो ए है, जो बी है, कोई भी है, ठीक है। तो हमने कहा आओ एक अकाउंट बना लेते हैं, इधर देखो 1500 शेयर हमने फोरफिट किए और वो शेयर थे 10+3 रुपए में, ऐसे थे, ये फोरफिट है, इश्यू नहीं दिया है, फोरफिट 1500 शेयर फोरफिट किए, उन्हें इश्यू कैसे किया था, 10+3 रुपीज। तो फिर उसने कहा एप्लीकेशन के साथ था प्रीमियम, प्रीमियम जो था वो एप्लीकेशन पे पेबल था, लेकिन एप्लीकेशन का कितना पैसा ये नहीं पता, इसको हजम कर गया, जानबूझ के नहीं पता, लेकिन ये उसने जरूर कहा कि अलॉटमेंट पे कितना है और फर्स्ट कॉल पे कितना है, बोलो ना कितना है, और फाइनल कॉल पे ये बता दिया, ये उसने बता दिया, ये उसने बता दिया। जब उसने ये बता दिया तो हमारा दिमाग कितना काम तो करता है कि 3 और 2 5, 5 और 3 तो यहां कितना आएगा, तो ये जो मिसिंग था हमने पहले ये निकाल लिया, तो कितना हो गया, अच्छा एक इन्फॉर्मेशन तो यहां से मिल गई। दूसरा उसने कहा द फाइनल कॉल हैज नॉट इन कॉल्ड अप, उसने क्या कहा, फाइनल कॉल का अभी तक कॉल नहीं किया, तो एक बात तो क्लियर है, शेयर यहीं पे फोरफिट किए गए, फाइनल कॉल मांगी नहीं गई, अभी तक कॉल्ड अप ही नहीं हुआ, यही फोरफिट किए गए। किसको सर, किसको, कोई भी ले लो यार, ये लो हमने ए ले लिया, हमने क्या लिया ए, उसको ए मान लिया, नाम नहीं दिया उसने, हमने उसको ए मान लिया, लेकिन ए को दो बातें यहां आ गई। अच्छा ये बात खत्म करने के बाद उसने क्या कहा, ये जो शेयर हमने इश्यू किए थे ना, जो हमने फोरफिट किए हैं, उस वक्त पे प्रोराटा लगा हुआ था, जब हमने इश्यू किए थे तो प्रोराटा पे इश्यू किए थे, प्रोराटा अलॉटमेंट थी, और प्रोराटा अलॉटमेंट के अंदर सर लोगों ने कितना अप्लाई किया ये नहीं बताया, कितने अलॉट किए ये भी नहीं बताया, बस ये बता दिया इट वॉज 3:2, हमें और क्या चाहिए, यहां 1500 गिवन है जो हमने फोरफिट किए, लिखा है ना एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 1500 शेयर्स, कौन से शेयर फोरफिट करते हैं, जो हमने अलॉट किए, ये गिवन है, ये गिवन है, रेशो गिवन है, यही क्या गया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है, प्रोराटा लगा हुआ है, अलॉटेड शेयर गिवन है, तो क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड निकालना पड़ेगा। आपने क्या किया, आपने तुरंत अप्लाइड निकाला और आपने कहा ये 2250 है,
फाइन। अब ये 2250 के लिए इसने अप्लाई किया, हमने अलॉट कितने किए थे 1500। डिफॉल्ट कहाँ पे है? अकाउंट बनाना पड़ेगा तभी तो एंट्री बनेगी ना। सीधी एंट्री बनाओगे तो गलत हो जाएगी। एंट्री तो कर सकते हो पहले आप, लेकिन पहले अकाउंट बना दो। तो आपने अकाउंट बनाया तो आपने कहा सर ऐसा हो जाएगा, ए ने जब अप्लाई किया होगा ए का अकाउंट बनाया तो इसने 2250 के हिसाब से 5 रुपए हमको भेजे होंगे। कितने हो गए टोटल? कितना था? 11,250। हमने मालिक बनाया ए को 7,500 का, तो कितना पैसा ए का हमारे पास आज भी एक्सेस पड़ा है? कितना था? 3,750। ये कौन सा पैसा है? एक्सेस पेड बाय ए, कुछ भी लिखो, ये ए ने एक्सेस दिया हमारे कब? एप्लीकेशन के टाइम पे। फिर हमने क्या किया होगा? इससे पैसा मांगा होगा। कौन सा पैसा मांगा होगा? अलॉटमेंट का पैसा मांगा होगा। कितने शेयर्स के ऊपर जो हमने अलॉट किए? कितने? 1500 × 3। हमने कहा भैया पैसे भेजो, 4500 भेज दो फटाफट। इसने कहा पैसे तो है नहीं, तो मुझे बताओ कॉस्ट नीडेस कितनी हुई? 4500 जो एडवांस पड़ा वो तो करो। कितना है? कितना है भाई? ये आ गई कॉल सिनेरियस, एक ही कॉल सिनेरियस था, बस यही निकालना। अब तो एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने में क्या रह गया? ये लो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फोरफिट कर रहे हो? 1500। कितना पैसा मंगवा चुके हैं आप? हाउ मच यू हैव कॉल्ड? कितना? 7। प्रीमियम तो नहीं है ना, तो 2 कॉल सिनेरियस, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कॉल सिनेरियस कितना है ए का? सर 750। 750 तो निकाल दिया अलॉटमेंट तक। व्हाट अबाउट द फाइनल कॉल? वो भी तो पे नहीं की ना, तो 1500 × 2 कितना हो गया? तो टोटल कितना है? 3750। तो फिर फोरफीचर कितना हुआ? 6750। हो गया बात खत्म। इसके बाद क्या किया कंपनी ने? इन शेयर को रीइश्यू कर दिया। और रीइश्यू कैसे किया? रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,700 पेड अप। फुली पेड अप नहीं, अगर फुली पेड अप लिखा होता ना तो बैंक में 9 रुपए आए होते, लिखा है 7 पेड अप। तो फिर देखो इधर क्या हुआ, इधर देखो गौर से। जब रीइश्यू किया बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 7 पेडअप बोल रहा है, 7 पेडअप, यानी इन 1500 रुपए शेयर्स को 7 रुपए में बेचा, 7 पेडअप। फुली पेडअप होता तो मैं कितना लिखता यहाँ पे? 8 पेडअप होता तो क्या लिखता? 9 पेडअप होता तो 1 रुपए डिस्काउंट है, डिस्काउंट की फिगर भी दे दी, यानी 1500 × 1 यहां आएगा 1500, और यहां कितना आना चाहिए? तो यहां कितना आया? ये भी कहानी खत्म हो गई। अब क्या बचा? अब बची लास्ट एंट्री। तो लास्ट एंट्री में 6750 में से 1500 को माइनस कर दो, जो आए वो डाल दो, कितना आ रहा है? 5,000। ये था बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त, एक बार दिमाग हिला देता है। अच्छा लेकिन सुनो, वही बात है, अगर आप इसको ऐसे ऐसे करके सॉल्व करोगे तो फंस सकते हो। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये है, इसके बिना मैं बोल रहा था आपको, अभी देखना, ये जो हम बनाते हैं ना, ये वाला सारा काम इधर, ये जो सारा बनाते हैं, ये आपकी लाइफ लाइन बनेगा इशू ऑफ शेयर्स की। पूरे 15 नंबर बचा के जाएगा आपके इशू ऑफ शेयर्स के अंदर। ओ वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। बुक में नहीं बेटे, बस आप देख लेना, तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे दोस्त करेंगे, उन्हें देख लेना कैसे करें। अब यार ये तुम जानो, मैं क्यों जानू कैसे करे, आप देख लेना। यही यही खड़े आप बुला लो किसी दोस्त को, अपने किसी सके सहेली को बुला लो, यही खड़े हो, इधर ही खड़े हो, यही क्वेश्चन करवा लो। और जो पता किसको, सुनो किसको बुलाओ, जिसने चैप्टर खत्म कर दिया और 2 बार रिवाइज कर दिया। कुछ ऐसे क्वेश्चन सेंटर्स हैं जहां पे दूसरी बार सिलेबस रिवाइज हो रहा है सेकंड टाइम, उसको बुलाओ, यहां खड़ा करो और बोलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, हाथ खड़ा हो जाएंगे। मैंने करवाया था लास्ट ईयर भी आया था, कौन? हर्षित। लास्ट ईयर हर्षित आया था, और मालूम है कहां से आया था? सीए के पास से पढ़ के, नाम नहीं लूंगा अभी क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है।
सीए के पास से पढ़ के आया, आपकी बुक का एक क्वेश्चन है ए एक्सएन लिमिटेड, आपकी बुक में भी है ए एक्सएन, बताता हूँ कौन सा है, दिखा इधर ही आसपास है ए एक्सएन के नाम से, ये रहा दिस इज द क्वेश्चन, इधर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 50, सुनो क्वेश्चन नंबर 50 ए एक्सएन लिमिटेड, इसमें चारों कॉल में प्रीमियम है, टोटल चार कॉल है, एप्लीकेशन में भी प्रीमियम, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम, फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम, फाइनल में भी प्रीमियम, और खूब जबरदस्त क्वेश्चन है ये, खूब जबरदस्त कहता कहता क्वेश्चन, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, हाँ ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, प्रोराटा नहीं है, मैं बोलता हूं ये क्वेश्चन था, हमने शर्त लगा, अच्छा वो आया तो उसने बोला कि मैं तीन बार कर चुका हूं चैप्टर, 3 times आई हैव रिवाइज द फुल चैप्टर, और यही चल रहा था, यही दिन थे, बिल्कुल सेम दिन थे, नवंबर का फर्स्ट वीक चल रहा था जब वो आया, उसने क्या कहा था, मुझे आपसे सिर्फ कैश फ्लो सीखना है, एक मुझे वो सिखा दो और एक मुझे पार्टनरशिप की बुक के अंदर रिविजन करनी है, मैंने बोला ये सारी बुक के बाकी खत्म हो गई, बोलता सब खत्म हो गई, मैंने कहा चल इश्यू ओशन के क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तभी वाला बोर्ड नहीं था तो उन्हें दो बच्चे इकट्ठे करते, तो मैंने बोला किस यहां से जितने बच्चे बैठे ना किसी एक को चुन ले, तेरे साथ कौन करेगा, तो उसने रोशनी को बोला रोशनी करेगी, चलो हो गया कंपटीशन स्टार्ट, चौथी एंट्री में फंस गया, चौथी एंट्री फोर्थ एंट्री, वो ऐसे कर रहा था, यहां पे उसके हाथ में किताब थी और यहां पेन लिया उसे मारकर, वो ऐसे कर रहा था बार बार बार, मैंने बोल दिया ये नहीं कर पाएगा गारंटी है, लेकिन पहली एंट्री बहुत अच्छी की उसने, सेकंड भी बहुत अच्छी की, तीसरी एंट्री भी अच्छी की, चौथे में फंस गया बैंक वाली एंट्री, फिर आगे नहीं पढ़ पाया, वही गलत हो गया ना, मैंने बोला बैठ जा, फिर रोशनी को खड़ा किया, सिर्फ सिर्फ 17 मिनट के मतलब बड़ा क्वेश्चन है, 70 मिनट के अंदर बिना कैलकुलेटर यूज किए, बिना कैलकुलेटर के उसने लास्ट में कैपिटल निकाल दिया, जबकि चारों में प्रीमियम है, खतरनाक क्वेश्चन है ये, आप करोगे देखोगे आप, 17 मिनट में रोशनी का आंसर आया और वही फोटो मैंने खींची है रोशनी की, उसी क्वेश्चन के सॉल्व की जो हम कभी कभी लगाते हैं एसपीडी पे, उसने किया सॉल्व 17 मिनट के अंदर, और ये क्या बोलता है, ये हम पहली बार पढ़ रहे थे चैप्टर को, जैसे आपको भी पढ़ा रहा हूं ना, इट वॉज फर्स्ट टाइम, देर वॉज नो रिविजन, रिविजन नहीं हुई थी अभी तक यहाँ पे, फर्स्ट टाइम पे चैप्टर चल रहा था, और वो तीन बार रिवाइज करके आया था, और बहुत बड़े सेंटर से जहां फीस भी 1500 थी, सब बकवास है सच बोल रहा हूं, आप फालतू मेथड मत ढूंढना, यही है ये लाइफ लाइन है इस चैप्टर की, ये जो हम बनाते हैं ना यहाँ पे लिखते हैं इसको इधर इधर, इसको पता है क्या है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसको करो बंद और साइड में रख दो और आंसर सॉल्व करो, ये नहीं खुली होनी चाहिए, फिर आंसर निकालो आंसर आएंगे, और ऐसे नहीं डिवेंचर में भी सेम करेंगे हम, अच्छा अगर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी आप करते ना मेरे पास से, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर वो भी हम सेम मेथड से करते हैं, ये इस पूरी बुक के सारे जो चैप्टर्स हैं इसी मेथड से हो जाते हैं, तीनों चैप्टर्स में कोई मेथड चेंज नहीं, बस वहां क्या है, यहां नाम क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वहां क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, इतने चेंज है, बाकी दोनों चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं, ठीक है जी, चलो हो गया, कल मिलेंगे हम।